द नाइट मैनेजर ये एक वेब सीरीज है जिसमें आपको दिखने वाले हैं ऋतिक रोशन। मैं आपको बताऊंगा ये वेब सीरीज आपको कब तक देखने को मिल सकती है, इसकी शूटिंग कब से शुरू होगी, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ऋतिक रोशन सर ने वार मूवी के लिए 42 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। मैं जानता हूं कि उनका इसमें पार्टनरशिप थी वार मूवी में, लेकिन इस वेब सीरीज के लिए उन्होंने कितना चार्ज किया मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना, आई प्रॉमिस आपको मजा जरूर आएगा। तो यारो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विराज। तो यारो कैसे हो, आई होप सब ठीक चल रहा होगा। वैसे आप ऋतिक रोशन सर के बहुत बड़े फैन हो तो आपके लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी है। जी हाँ, वो एक वेब सीरीज करने वाले हैं, मतलब एक सस्पेंस थ्रिलर स्पाई वेब सीरीज जिसमें हम ऋतिक रोशन को बहुत पहले से देखना चाहते थे। जैसे कि वार मूवी में उनका रोल था ना, वो भाई गजब का था, इसीलिए उन्होंने इस मूवी के लिए 42 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। मानता हूँ कि उनकी इस मूवी में उनकी पार्टनरशिप थी तो बहुत सारे रुपए उन्होंने कमाए हैं, लेकिन इस वेब सीरीज के लिए पता उन्होंने कितना चार्ज किया है, 78 से 85 करोड़ रुपए। इस वेब सीरीज में आपको 6 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये एक रीमेक वेब सीरीज होने वाली है द नाइट मैनेजर, जो BBC में रिलीज हुई थी, जिसमें आपको लीड रोल में लॉकी दिखे थे, मतलब अवेंजर्स इंडगेम, अवेंजर्स वगैरह आपने देखा होगा तो लॉकी को जानते ही होंगे। और इस इंटरनेशनल एक्टर को रिप्लेस करने के लिए ऋतिक सर को बुलाया गया है, तो बहुत बड़ी बात है कि ऋतिक रोशन इंटरनेशनल एक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही उन्हें ग्रीक गॉड नहीं बोलते हैं। ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी, हाइट, सब कुछ इंटरनेशनल एक ब्रांड जैसे दिखता है, जो कि बॉलीवुड में कोई भी एक्टर मेरे को इंटरनेशनल एक्टर नहीं लगता है। लेकिन ऋतिक रोशन सर मानता हूँ टाइगर जो है वो लगते हैं, लेकिन उनकी हाइट कम होने की वजह से थोड़ा वो पॉइंट्स बचता है। लेकिन इस रोल के लिए ऋतिक रोशन से बेटर कोई भी उनको नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये वेब सीरीज आपको अमेजन प्राइम के OTT पे देखने को मिलने वाली है, और इसकी शूटिंग जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, पहले क्रिश 4 की शूटिंग जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश राकेश रोशन ने क्रिश 4 की शूटिंग पोस्टपोन कर दी है। जी हाँ, 2021 के हाफ मिड में, मतलब अगस्त और सेप्टेम्बर के बाद ही क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। और मैं आपको बताऊँ, क्रिश 4 के जो एक्ट्रेस को कंफर्म किया गया, कहते हैं कृति सेनन आपको क्रिश 4 में देखने को मिल सकती हैं। और मेरे को जैसे भी कोई क्रिश 4 के लिए अपडेट मिलती है मैं आपको बताऊंगा। अभी द नाइट मैनेजर वेब सीरीज की बात करें तो ये कहानी होगी एक स्पाई थ्रिलर जिसमें ऋतिक रोशन एक एजेंट के रूप में होंगे। जी हाँ, जिन्हें बनाकर भेजा जाएगा एक होटल का मैनेजर में, उनको बहुत सारे ड्रग्स माफिया, बहुत लोगों का सफाया करना पड़ेगा। और एक्शन की बात ही क्या करें, जिसमें ऋतिक रोशन सर हो उसमें एक्शन हो, बस मान लीजिए आपको इसमें एक्शन स्टोरी कमाल की देखने को मिलेगी, एक फुल ऑन पैक होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत जल्द आपको ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी। तो मेरे को जैसी भी कोई अपडेट मिलती है इसके ट्रेलर, फर्स्ट लुक के बारे में, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस आपको करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शिव बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।